आई एम जावेद अली, अलीज़ बुक रिव्यू वेलकम्स यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा दें, इससे सारे एपिसोड्स के नोटिफिकेशन उनको मिल जाएंगे। आज की जो किताब है वो जस्टिस सच्चर से ही मुतालिक है और इस एपिसोड में हमने जुडिशरी या अदलिया की वर्किंग से मुतालिक कुछ पर्दे उठाए हैं। तो आज का टॉपिक है राजेंद्र सच्चर डीमिस्टिफाइज जुडिशियल वर्किंग, सब एनेक्डोट्स, कुछ वाक़यात इसमें दिए गए हैं। 1957 में अदालती अमूर में ये सच्चर साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, 1957 में अदालती अमूर में अदालती मामला में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत, इंटरफ्रेंस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मजबूती का एक वाक़या हम सबको सुनाते हैं। इंटरफ्रेंस का मामला एक एडिशनल जज को परमानेंट या मुस्तकिल करने से मुतालिक है। ये तरीका आज भी है कि एडिशनल जजेस को तकर्रुर के अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए किया जाता है और जब जगह खाली होती है तो फिर उनको परमानेंट किया जाता है, ख़ासतौर से हाई कोर्ट में। एक एडिशनल जज थे जस्टिस हरबंस सिंह, उस ज़माने में उनका ताल्लुक अकालियों से इन माने में था कि कुछ केसेस उन्होंने लिए थे उसके। जब वो अकाली अलहदा या सेपरेट पंजाबी सूबा की मांग कर रहे थे, उस वक्त की बात है, उस वक्त कांग्रेस में अकालियों में बड़ी लड़ाई चल रही थी। जब ये उनको मुस्तकिल करने का मामला आया तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों ने उस वक्त ये था के पास ही मामला आया, उस वक्त ये तरीका था कि चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, तो चीफ मिनिस्टर ने इनकार कर दिया कि मैं कोई मंजूरी नहीं दूंगा। चुनाचे हरबंस साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए। सच्चर इसको नामुनासिब समझते थे क्योंकि उनकी नज़र में हरबंस से काबिल जज थे। यहाँ पर चीफ जस्टिस का रोल सामने आता है। सच्चर ने कांग्रेस के एक साबिक एमपी थे, फॉर्मर एमपी एनसी चटर्जी, उनसे उनका ताल्लुक था, वो चंडीगढ़ आए हुए थे और उन्होंने इस पर मामले को रखा कि हरबंस को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है और ये अच्छा जज है, इसको होना चाहिए। हरबंस ने कहा ठीक है, मैं चीफ जस्टिस एस आर दास से बात करेंगे। ये दोनों कलकत्ता के थे और एक दूसरे को जानते थे। बाद में साबिक एमपी साहब का फ़ोन आया कि हमने बात हुई है और उन्होंने दास साहब ने कहा है कि मैं पूरा इंसाफ करूंगा और ये जो हरबंस हैं ये कैम्ब्रिज में इसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था, इसलिए मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। इस तरह का माहौल था। वो जजेस के अपॉइंटमेंट से मुतालिक एक दूसरा वाक्य आपको सुनाते हैं। 1957 में लॉ सेक्रेटरी मनमोहन सिंह गुजराल ने सच्चर से कहा कि आप पंजाब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस हैसियत से आप कुछ नाम हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए दीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के वजीर आला चीफ मिनिस्टर गुरनाम सिंह एक आदमी के बारे में इंटरेस्टेड है, उसका नाम है सरजीत सिंह संधवालिया। उस वक्त संधवालिया हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और सच्चर के प्यारे दोस्त थे, लेकिन सच्चर का ख्याल ये था कि उनसे ज़्यादा काबिल पटियाला में प्रैक्टिस करने वाला एक एमएल शर्मा जज हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि सच्चर को उससे कुर्बत नहीं थी लेकिन काबिलियत के लिहाज से वो समझते थे ज़्यादा बेहतर है। फिर भी सच्चर का फर्स्ट चॉइस तो उन्होंने अपना शर्मा को दिया और सेकंड चॉइस उन्होंने सिंधवालिया को भेज दिया। लॉ सेक्रेटरी को उन्होंने ये बात बता दी, पर हुकूमत की नज़र सिंधवालिया पर थी। चीफ जस्टिस मेहर सिंह ने उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया। उस वक्त जबकि सिंधवालिया का नाम गर्दिश कर रहा था, उन्होंने लिखा है कि जस्टिस पी सी
पंडित एक दिन उनके सच्चर के पास आए, मुलाकातें थी इन लोगों की, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस संधवालिया का नाम आ रहा है ये बहुत जूनियर है, ये 42-43 साल उम्र थी, तो इसको जिस जूनियर आदमी को पंजाब का जज नहीं बनना चाहिए, तो आपके फादर के ताल्लुकात हैं, कांग्रेस में रहे हैं, आप उसको बात को रुकवाइए। सच्चर ने कहा कि न मैं और न मेरे फादर इस तरह के कामों में पड़ेंगे, नाराजगी का इजहार किया। फिर जब संधवालिया जब जज बन गए तो बास लोगों ने कहा कि भाई आप जाकर के उनको मुबारकबाद दीजिए। उनका भाई वो तो मेरे जूनियर है, मैं क्यों मुबारकबाद दूँ, खुदा है। लेटर बेन में उन्होंने भी कहा भाई किसी की जरूरत नहीं कि उनसे ये बात कहें, लेकिन बास दोस्तों ने उनसे कह दिया। संधवालिया का फोन आया कि मैं सच्चर साहब मैं आपके घर पर आना चाहता हूँ। वो आए, वेलकम किया उन्होंने और बहुत अच्छे से मिल मुलाकात हुई। बाद में लिखा सच्चर ने कि बहुत ही कॉम्पिटेंट जज साबित हुए संधवालिया, और बाद फिर वो चीफ जस्टिस बने। 1980 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्राचूत उनको सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे। सच्चर ने लिखा है कि यह कदम बहुत सही होता, लेकिन एक दूसरी हिच आ गई थी। 1978 में संधवालिया के पास पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जेल सिंह का करप्शन का एक वाकया आया था, जिसमें वो गिरफ्तार करके लाए गए थे। हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी। जो बेंच बैठी थी जिसमें संधवालिया भी थे, उस बेंच ने उनको रिहाई नहीं दी, उनको फ्री नहीं किया। फिर ऐसा हुआ कि 1982 में ज्ञानी जेल सिंह साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। और जब ये मामला ज्ञानी जेल सिंह के पास आया तो सच्चर साहब लिखते हैं कि एलिजली ये बात कही जा सकती है कि ज्ञानी जेल सिंह ने कहा कि भाई मैं उसको नहीं बनाऊंगा, मैं वो उसको मैं चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट पर नहीं आने दूंगा। और इस तरह से एक मुनासिब जज, सच्चर ने लिखा है कि एक सही जज जो है, कॉम्पिटेंट जज जो है, वो सुप्रीम कोर्ट पर नहीं आ सका। एक और वाकया सुन लीजिए। सच्चर के बार एसोसिएशन की सदारत के ज़माने में ही बात है कि वहाँ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप एसोसिएशन था, उसकी तरफ से 3 लोग मास्को गए, उसमें सच्चर साहब भी थे और इसके अलावा पी सुब्रमण्यम पोटी थे, और जो बाद में केरला हाईकोर्ट के जज बने। तीसरे जस्टिस नायक थे जिनका ताल्लुक बॉम्बे से था। मुख्तसर यह कि जस्टिस पोटी उस डिवीजन बेंच का हिस्सा थे जिसने 1977 में केरला के चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन को इंजीनियरिंग के तालिब इल्म, इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट था राजन, जो बहुत मशहूर केस हुआ था, ये वो गायब हो गया था, उसके लिए हैबियस कॉर्पस की दरखास्त रिट जारी की थी इन लोगों ने। करुणाकरन उस वक्त केरला के होम मिनिस्टर भी थे। राजन इमरजेंसी के दौरान लापता हो गए थे, कोर्ट ने उसे पेश करने का हुक्म दिया। चुनांचे करुणाकरन को इस्तीफा देना पड़ा। जब मिसिस गांधी 1980 में दोबारा इख्तदार में हुकूमत में आ गईं, तो कहा जाता है कि पोटी को केरला का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बनने दिया और उनको गुजरात ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ वो चीफ मिनिस्टर बने। एक और वाक्य हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि अक्सर लोग इसके बारे में क्यूरियस रहते हैं, मतजस्टिस रहते हैं कि जजेस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कैसे पेश आते हैं, खासतौर से वो दोस्त जो पेंडिंग मैटर्स में उनसे बात करते हैं। उसका एक वाक्य नकल किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन करने के बाद उस वक्त की सोशलिस्ट पार्टी थी SSP के जो लोकल सेक्रेटरी थे जिनसे उनकी पहले से मुलाकात थी, वो उन्होंने उनका फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सच्चर ने कहा कोई बात नहीं, आइए मुलाकात कीजिए। वो आए, उन्होंने उनका वेलकम किया, काफ़ी बातचीत हुई, और फिर उसके बाद ये हुआ
कि वो असल बात की तरफ आए और उन्होंने कहा कि उनके ससुर का केस, जो लोकल सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा ससुर का केस का रेंट का एक मामला है, तो आप देख लीजिएगा। सच्चर का तरीका ये था कि जो मामला उनके सामने आता था वो उसको एक दिन पहले उसकी फाइल देख लेते थे, उन्हें वो केस याद था। जब ये बात उनके सामने रखी तो सच्चर कहते हैं कि मैं केस देख रहा था और मेरा ये था कि मैं एडमिट कर लूँगा, लेकिन जब ये सिफारिश आई तो उन्होंने फैसला ये किया कि इसे दूसरे जज को मुंतकिल करना चाहिए, ये अच्छे इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, और चुनांचे उन्होंने वो दूसरे बेंच को उसे मुंतकिल कर दिया। एक मामला और लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनने के बाद उनके सामने बहुत केसेस आते थे, उसमें लेबर और मैनेजमेंट का केस आता, और ये एक आम बहुत कॉमन बात थी कि किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में वर्कमैन को डिसमिस कर दिया जाता और फिर वो लेबर कोर्ट जाता, लेबर कोर्ट उसको बहाल कर देता, और फिर ये था कि हाई कोर्ट में मामला जाता और हाई कोर्ट में आमतौर से उनको स्टे मिल जाता। तो ऐसे ही एक केस इनके सामने आया और वो बेंच में मौजूद थे, ये तीन रुकनी बेंच था, तीन मेंबर्स बेंच था, और सच्चर ने कहा कि केस जो है हम आपका एडमिट करते हैं, लेकिन जो असल केस है वो लेबर कोर्ट में लेबर जीत चुका है और उसने वर्क किया है, इसलिए उसका जो कंपनसेशन है, एरियर्स है, उसे मिलना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। उसके वकील ने कहा, बिजनेसमैन के वकील ने कहा, एम्प्लॉयर के वकील ने कहा कि भाई ये तो कभी नहीं हुआ। कहा कि नहीं, जब उसने काम किया तो आप कैसे रोक सकते हैं पैसे को। जानजे उस वकील के कहने पर वकील ने कहा अपने मैनेजमेंट से कि आप 50% इसका एरियर दे दीजिए। अब लिखते हैं वो कि इसके बाद वहाँ एक तरह की रिवायत ट्रेडिशन बन गया कि जो ऐसे केसेस आते हैं उसमें 50% या इस तरह की चीज़ें लेबर को दी जाती थी। पहले जो था बिल्कुल जीरो पर रहता था वो, और मैनेजमेंट मजे करता जितना चाहे लंबा खींचे वो। तो इस तरह की बात जो है इसके ज़रिए से लेबर का इसको फ़ायदा हो गया। वो कहते हैं ये अप्रोच की बात है, पिछले जो जजेस थे वो गलत नहीं थे, लेकिन हमारा अप्रोच ये था कि लेबर ने जब काम किया है तो उसको मिलना चाहिए। सचिन ने एमरजेंसी का एक वाक्य नकल किया है। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इंतहाई इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को सही पाया और उन्हें मुजरिम करार दिया। इसके नतीजे में लंबा वाकया है, इसको हम नहीं सुना रहे हैं। 25 जून 1975 को पूरे मुल्क में एमरजेंसी लग गई और तमाम आज़ादियां जो थीं वो सर्व कर ली गईं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। उसके खिलाफ 23 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी को पुराने कांग्रेसों ने एक खत लिखा जिसमें बताया गया था कि भाई नेहरू का क्या तरीका था और आज़ादियाँ बाकी रहनी चाहिए, इस तरह का एक लंबा चौड़ा खत था, उस पर सबने दस्तखत किए। दस्तखत करने वालों में सच्चर के फादर भी थे। वहाँ से आने के बाद जब दस्तखत करके आए तो फादर ने अपनी अहलिया से बीवी से कह दिया कि मेरा बैग तैयार रखना, मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। और फिर वो बाद में पुलिस आई सुबह को और उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ ले गए। एमरजेंसी में ही कुलदीप नैयर जो उनके बहनोई थे, दोनों एक दूसरे को बहनोई थे, कुलदीप नैयर की बहन इनसे भी आई थी और इनकी बहन जो है कुलदीप नैयर से भी आई थी, तो उन कुलदीप नैयर को भी जो बड़े जर्नलिस्ट थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किस्सा मुख्तसर ये है कि इन्होंने मशवरा किया, मशवरे में तारकुंडे और सुली सोराब जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की एक दरख्वास्त दाखिल की। हेबियस कॉर्पस का मतलब यह है कि जिंदा या मुर्दा मुलजिम को, मुझे जो भी शख्स है उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। इस मामले को जस्टिस रंगाराजन और जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने सुना और नोटिस जारी कर दिया।
एक महीने के अंदर तो सच्चर के फादर जो है वो रिहा हो गए, लेकिन कुलदीप गिरफ्तार रहे। यहाँ तक कि जब फाइनल हेयरिंग की मामला, फाइनल हेयरिंग जब हो गई और जज को जजमेंट सुनाना था, कि सरकारी वकील वो आए, उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत ने तय ये किया है, फैसला किया है कि केस में कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए कुलदीप के खिलाफ केस को वापस लिया जाता है, हमने फैसला किया। इन दोनों बेंच ने, ये दोनों आदमी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि आप नहीं कर सकते, अगर जो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आप फैसला खुद से नहीं कर सकते। अब चूंकि डेट है आज, इसलिए मैं आज तारीख सुना रहा हूँ, फैसला सुना रहा हूँ, और उनका फैसला उन्होंने सुना दिया रहाई का। इसकी सजा दोनों जजेस को मिली, हालांकि ये इनका पीसफुल डिसीजन था। जस्टिस रंगाराजन को गुवाहाटी ट्रांसफर कर दिया गया हाईकोर्ट, जबकि जस्टिस अग्रवाल जो एक एडिशनल जज थे उनको मुस्तकिल नहीं किया गया और उनको डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से वापस अपनी जगह भेज दिया गया, और उनकी जगह पर उनके एक जूनियर को हाई कोर्ट में लाया गया। इससे वो, लेकिन वो उसमें जड़े, उसमें लगे रहे, यहाँ तक कि 1970 के बाद जो है उनको इंसाफ मिला। तो इस तरह से कुछ बहुत से वाक़यात हैं, और भी वाक़यात हैं जिसमें जस्टिस सच्चर ने ये वर्किंग जो है वो बताई है। आपको बता दें कि जस्टिस सच्चर 1985 के आखिर तक हाई कोर्ट के जज थे, उसके बाद रिटायर हो गए उन्होंने, और उसके बाद ये जो सवाने है, ऑटोबायोग्राफी है उनके, 2018 में इंतकाल के बाद बनने के बाद ये छपी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन इसका मौका नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले हफ्ते हम नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।